तो हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लीवर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं लीवर की, तो जनरल फीचर देखेंगे। तो लीवर इज लार्ज सॉलिड ग्लैंड हो गया, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हो गया, स्किन, सिचुएटेड इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। जैसे ये हमारा एब्डोमेन हो गया, तो ये फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक कौन सा, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो जो हमारा लीवर होता है कहाँ सिचुएटेड होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। उसके बाद अपीयरेंस क्या होता है, कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है, वेट 1500 ग्राम होता है अप्रॉक्स, या 1.5 kg। शेप जो होता है वेज शेप में होता है, मीन्स कील शेप का होता है ये। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ एब्डोमेन कैविटी, ये जो हमारे एब्डोमेन में लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। वेट, वेट की बात करें तो मेल में 1500 से लेके 1600 ग्राम होता है, फीमेल में 1200 टू 1300 ग्राम। अब लोकेशन ऑफ द लीवर, तो लोकेशन ऑफ द लीवर के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, हेल। हेल से क्या याद कर लेंगे, एच से हाइपोकॉन्ड्रियम हो जाएगा, और हमने जैसा कि पढ़ा कहाँ सिचुएटेड होता है, तो राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, तो हम राइट हाइपोकॉन्ड्रियम लगा देंगे, मतलब लिख देंगे। यहाँ पे हमारा पूरा होल, मतलब मोस्टली पूरा लीवर सिचुएटेड होता है। इपिगेस्ट्रियम, इपिगेस्ट्रियम में ग्रेटर पार्ट होता है, राइट लंबर रीजन में स्मॉल पार्ट। तो ये हम पढ़ लेंगे अभी, गैस्ट्रियम और राइट लंबर हाइपोकॉन्ड्रियम, हम 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे कि ये मतलब कहाँ कहाँ पे आएगा। तो लोकेशन ऑफ द लीवर की बात करें तो हेल से याद कर लेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपिगेस्ट्रियम, एल से राइट लंबर रीजन में स्मॉल पार्ट आता है। अब जो लीवर होता है, लीवर इज अ वेज शेप, सो इट हैव वन पॉइंटेड पॉइंट ऑन लेफ्ट साइड। जो लीवर होता है वो वेज एज शेप में होता है, तो जो इसका एक पॉइंट होता है वो जा करके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जाता है। अब लीवर एक्सटेंड अप टू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से शुरू होता है, थोड़ा सा ऐसे जाके वहाँ पे ये लेफ्ट में मतलब मिलता है जा करके लेटरल लाइन पर। अब एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो लीवर इज वेज शेप, सो इट हैज़ 5 सरफेस। अब वो 5 कौन सी सरफेस है हम ये देखते हैं, तो 5 सरफेस आ जाएंगी, एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस और राइट सरफेस। जो पोस्टेरियर सरफेस होता है वो कॉनकेव शेप में होता है, और इन्फीरियर सरफेस ये भी कॉनकेव शेप में होता है। एक बॉर्डर होता है, प्रोमिनेंट इन्फीरियर बॉर्डर होता है। अब हम पहले देख लेते हैं 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन, फिर हम लोब्स पढ़ेंगे। 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन में क्या क्या आएगा देखेंगे। सबसे पहले 4 जो होती हैं वो लाइन होती है, कौन सा हो गया, एक राइट लेटरल लाइन, लेफ्ट लेटरल लाइन, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन्स और ट्रांस बैलोरी प्लेन्स। ठीक, तो ये हमारे दो, एक लेटरल लाइन हो गए और दो प्लेन्स हो गए। तो ये हमारा रहा राइट लेटरल लाइन, ये रहा लेफ्ट लेटरल लाइन, और ये हमारा रहा क्या कहते हैं, ट्रांस बैलोरी प्लेन्स, और ये है हमारा ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन्स। अब हम देखते हैं हमारा इधर में आएगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये इपिगेस्ट्रिक पार्ट में आएगा, उसके बाद अम्बिलिकल में आ जाएगा राइट लंबर, और हाइपोगेस्ट्रिक में राइट इलेक फोसा और राइट इंग्यूनल रीजन। तो सेम इधर हो जाएगा, इधर हम बस लेफ्ट लगा देंगे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर और लेफ्ट इलेक फोसा और लेफ्ट इंग्यूनल रीजन। तो हम देख लेते हैं इपिगेस्ट्रिक, अम्बिलिकल, हाइपोगेस्ट्रिक, ये हमारे 3 हो गए, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट इलेक फोसा, ये हमारे 6 हो गए, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, राइट इलिक फोसा। तो टोटल मिला के हमारे ये 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन हो गए। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है 2 नंबर में भी आता है, और प्लस ये बेसिक चीज़ें हैं, ये मतलब कोई भी हमसे ऐसे अगर कोई भी कॉमन में पूछ सकता है कि 9 पार्ट ऑफ एब्डोमेन कौन कौन से, तो हमें बताना है कि क्या होता है कि 4 सबसे पहले जो ये डिवाइड होता है राइट लेटरल लाइन में, लेफ्ट लेटरल लाइन में, उसके बाद ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन्स में, ट्रांस बैलोरी प्लेन्स में, तो ऊपर जो ट्रांस बैलोरी के ऊपर इपिगेस्ट्रिक आता है, फिर अम्बिलिकल आता है, हाइपोगेस्ट्रिक आता है, उसके बाद लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट इलेक फोसा और लेफ्ट इलेक फोसा। अब हम देखेंगे 5 सरफेस ऑफ हम लीवर का पढ़ रहे थे, तो क्या आएगा, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। ठीक, तो ये हमारा इन्फीरियर सरफेस आएगा, ये सुपीरियर सरफेस, जो ये इसके पीछे वाला हो गया ना, इसके पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस आएगा, और ये हमारा राइट सरफेस होगा, और जो ये है ये हमारा आ जाएगा एंटीरियर सरफेस। नेक्स्ट हम लोब्स देखेंगे, तो यहाँ पे 2 लोब्स हैं, कौन कौन से, एनाटॉमिकल लोब्स और फिजियोलॉजिकल लोब्स।
तो जो एनाटॉमिकल लोब होता है वो नॉट ट्रू लोब होता है, फिजियोलॉजिकल ट्रू लोब्स होते हैं। अब एनाटॉमिकल लोब जाके आगे दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट लोब लेफ्ट लोब। तो जो राइट लोब होता है वो ग्रेटर पार्ट होता है, 5/6 होता है, और लेफ्ट लोब 1/6 पार्ट होता है। राइट लोब अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, किसमें, फोर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये फिजियोलॉजिकल लोब हो गया जिसे हम ट्रू लोब्स बोलते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट लोब लेफ्ट लोब, और फर्दर डिवाइड इनटू 8 सेगमेंट। हम आगे देखेंगे जब हम इसके बारे में फिजियोलॉजिकल लोब पढ़ेंगे तो उसमें हम 8 सेगमेंट भी पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राहिपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, किस पे ये 8 सेगमेंट्स बनते हैं, इंट्राहिपेटिक डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब हम ट्रू लोब की बात, वो सॉरी नॉट ट्रू लोब, जो एनाटॉमिकल लोब्स होते हैं इसकी डिवाइड, मतलब जो ये लीवर होता है, द लीवर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब बाय द अटैचमेंट। तो ये जो तीन अटैचमेंट है ना, कौन कौन से अटैचमेंट से ये डिवाइड होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन से। तो पहला हो जाता है फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, एंटीरियर एंड सुपीरियर लिगामेंट टेरिस, इन्फीरियरली होता है, फीसर फॉर द लिगामेंट वेनोसम पोस्टीरियरली। तो ये हमारे तीन लिगामेंट हो गए, कौन कौन से हो गए, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंट टेरिस, फीसर फॉर द लिगामेंट वेनोसम पोस्टीरियर होता है, और लिगामेंट टेरिस इन्फीरियर होता है, और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट एंटीरियर एंड सुपीरियर होता है। अब इधर देखेंगे हम लोब्स ऑफ द लीवर, दो पढ़ा हमने, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। तो एनाटॉमिकल लोब्स में क्या होता है, राइट लोब, राइट लोब क्या पढ़ाई हमने कि मच लार्जर देन द लेफ्ट लोब एंड फॉर्म 5/6 ऑफ द लीवर, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑल द 5 सर्फेस ऑफ द लीवर प्रेजेंट द राइट लोब ही आगे जाके हमारा दो में डिवाइड हो रहा था, किसमें, क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो बेसिकली अगर हम क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब को लेते हैं तो इसके जो एनाटॉमिकल लोब होते हैं वो 4 होते हैं, हमने दो पढ़े थे कौन कौन से, राइट लेफ्ट पढ़े थे, लेकिन अगर हम क्वाड्रेट और क्वाड्रेट लोब को भी काउंट करेंगे तो 4 एनाटॉमिकल लोब भी आएगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वाड्रेट लोब जो होता है सराउंडेड विद 4 बाउंड्रीज, इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस, इट इज बाउंडेड ऑन द राइट बाय द ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा, ऑन द लेफ्ट बाय द फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, इन्फीरियरली बाय द पोर्टा हिपेटिस। तो पोर्टा हिपेटिस क्या क्या कंटेन करता है, हिपेटिक पोर्टा वेन, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक डक्ट और पोर्टा ट्रेट। तो पोर्टा हिपेटिस क्या क्या कंटेन करता है, 3 चीज़ें रिपीट करिएगा, हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक डक्ट और पोर्टा ट्रेट। तो ये हमारा क्वाड्रेट लोब हो गया। क्वाड्रेट लोब में क्या क्या 3 चीज़ें किससे बाउंडेड होती है, राइट बाय द ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा, ऑन द लेफ्ट बाय द फीसर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, इन्फीरियरली बाय द पोर्टा हिपेटिस। तो पोर्टा हिपेटिस कंटेन करता है अगेन हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक डक्ट। नाउ अबव इट इज कंटिन्यूस विद द सुपीरियर सरफेस। क्वाड्रेट लोब की बात करेंगे तो इट इज सिचुएटेड ऑन द इन्फीरियर सरफेस, बाउंडेड बाय द एंटीरियरली बाय द इन्फीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियरली बाय द पोर्टा हिपेटिस, ऑन द राइट बाय द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, ऑन द लेफ्ट बाय द फीसर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। तो अब हम जो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब है उसको हम डायग्राम से अच्छे से समझ लेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेट लोब बाउंडेड किससे था, तो सबसे पहले जो क्वाड्रेट लोब है वो क्या बोलते हैं, राइट, जो इसका राइट साइड है, राइट साइड पे बाउंडेड होगा ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा। तो ये हमारा राइट लोब हमने पढ़ा था 5/6 पार्ट होता है, लेफ्ट लोब 1/6 पार्ट होता है। तो क्वाड्रेट लोब जो होगा वो मतलब ऊपर की ओर होगा, क्वाड्रेट लोब नीचे की ओर लाई करेगा। तो क्वाड्रेट लोब पहले जो होगा हमारा कि जो राइट साइड पे होगा वो बाउंडेड होगा ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा, लेफ्ट साइड पे लिगामेंटम वेनोसम, और इसी के इन्फीरियर साइड पे आ जाएगा पोर्टा हिपेटिस। और पोर्टा हिपेटिस में हमने पढ़ा था वो क्या क्या कंटेन करता है, तो हिपेटिक पोर्टल वेन कंटेन करता है, हिपेटिक आर्टरी कंटेन करता है, और हिपेटिक डक्ट। आप जहाँ भी पोर्टा हिपेटिस अगर आप पढ़ें तो इन चीज़ को रिवाइज करते चले ताकि आपको ये अच्छे से याद हो। उसके बाद ये हमारी चीज़ें हो गई, इसके एबव मतलब जो होगा वो सुपीरियर सरफेस से कंटिन्यू होगा। अब क्वाड्रेट लोब की बात करें तो जो हमारा क्वाड्रेट लोब है, तो क्वाड्रेट लोब के हमारे राइट साइड में किससे बाउंडेड होगा, गॉल ब्लैडर से, लेफ्ट साइड में होगा लिगामेंटम टेरिस से, और लिगामेंटम टेरिस हो गया। उसके बाद जो पोस्टीरियर, अगर हम इसमें क्वाड्रेट लोब में इन्फीरियर था लेकिन हम इसमें देखेंगे पोस्टीरियर, ये क्वाड्रेट लोब में पोस्टीरियर बाउंडेड होता है पोर्टा हिपेटिस से,
और जो एंटीरियर होगा इसका, एंटीरियर किससे बाउंडेड होगा, एंटीरियर बाय द इन्फीरियर बॉर्डर। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमारा क्वाड्रेंट लोब में पढ़ेंगे कि किससे बाउंडेड होता है, तो ये एंटीरियर बाय द इन्फीरियर बॉर्डर, उसके बाद पोस्टीरियर बाय द पोटाहिपेटिस, ऑन द राइट, राइट साइड में हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर होगा, ऑन द लेफ्ट बाय द फीजर फॉर द लिगामेंटम टेरिस। तो ये हमारा क्वाड्रेंट लोब और क्वाड्रेंट लोब हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेपरेशन ऑफ द फोर लोब्स ऑफ द लीवर। तो फोर लोब्स कौन कौन से हो गए, लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट लोब। तो इसमें तीन पार्ट में है, एक है हमारा राइट सेगिटल फोसा, लेफ्ट सेगिटल फीजर, ट्रांसवर्स फीजर। तो हमारा राइट सेगिटल फोसा किस टाइप, कहाँ पर आएगा, तो ग्रोफर इन्फीरियर वेना कावा एंड गॉल ब्लेडर। तो राइट सेगिटल फोसा हमारे लाई करेगा ग्रोफर इन्फीरियर वेना कावा एंड गॉल ब्लेडर। लेफ्ट सेगिटल फीजर जो होगा ये लिगामेंटम वेनेसम एंड लिगामेंटम टेरिस में होगा। और ट्रांसवर फीजर किसे बोलेंगे, पोटाहिपेटिस। पोटाहिपेटिस फिर हम अगेन रिवाइज करेंगे क्या क्या कंटेन करता है, तो हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक डक्ट। नेक्स्ट देखेंगे पोटाहिपेटिस, इट इज़ अ ट्रांसवर्स फीजर। अभी हमने पढ़ा ट्रांसवर्स फीजर कौन सा था, पोटाहिपेटिस। तो पोटाहिपेटिस सबसे पहले क्या आएगा कि इट इज़ अ ट्रांसवर्स फीजर, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, सिचुएटेड ऑन द इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर। हमने डायग्राम में देखा था किधर लाई कर रहा था, तो इन्फीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर पे। इट लाइज बिटवीन द क्वाड्रेंट लोब एंड द क्वाड्रेंट लोब। तो हमारा ऊपर के साइड में क्वाड्रेंट लोब था और नीचे के साइड में क्वाड्रेंट लोब था, इसी के बीच में हमारा पोटाहिपेटिस था। इंटर, अब इसमें क्या इंटर करता है, हिपेटिक आर्टरी एंड हिपेटिक प्लेक्सेस ऑफ नर्व इसमें इंटर करता है। और बाहर की ओर क्या क्या आती है, राइट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट एंड अ फ्यू लिम्फेटिक्स। तो ये बाहर की ओर आती हैं। रिलेशन विद इन द पोटाहिपेटिस आर फॉर्म बिहाइंड फॉरवर्ड्स आर वादा। इसको हम वादा से मतलब रिवाइज कर लेंगे, वही हमने तीन चीज़ें जो पढ़ते आ रहे हैं, क्या क्या हो जाएगा, वी से पोर्टल वेन आ जाएगा, ए से हिपेटिक आर्टरी एंड डी से हिपेटिक डक्ट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे लेफ्ट लोब। तो राइट लोब तो हमारा हो गया, लेफ्ट लोब देखते हैं। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर इज मच स्मॉलर देन द राइट लोब एंड फॉर्म्स ओनली 1/6 ऑफ द लीवर। इट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स नियर द फीजर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। इट्स इन्फीरियर सर्फेस प्रेजेंट अ राउंडेड एलिवेशन कॉल्ड द ओमेंटल ट्यूबरोसिटी और ट्यूबर ओमेंटल। रिलेशन देखेंगे, पेरिटोनियल रिलेशन। मोस्ट ऑफ द लीवर इज कवर्ड बाई पेरिटोनियम। पेरिटोनियम किसे बोलते हैं, देखते चलेंगे। सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग कवर्ड एब्डोमिनल एंड और एब्डोमिन कैविटी एंड ऑर्गन। द एरियाज नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम आर एज फॉलोज। अब वो एरिया देखेंगे जिसे पेरिटोनियम कवर नहीं करती है। तो बियर एरिया हो गया, ग्रोथ फॉर द इन्फीरियर वेना कावा, फोसा ऑफ गॉल ब्लेडर, एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक ट्रिक है, बियर वोना गलोमेन, बियर एरिया हो जाएगा, वोना वेना कावा, गॉल ब्लेडर एंड ओमेन ओमेंटम आ जाएगा। तो ये हमारा पेरिटोनियल रिलेशन हो गया। तो अब आगे पढ़ने से पहले हम ओमेंटम भी पढ़ लेते हैं, किसे कहते हैं। ओमेंटम जो होता है वो होता है अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कनेक्टिंग द स्टमक विथ अदर एब्डोमिनल ऑर्गन, तो उसे ओमेंटम बोलते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे बियर एरिया। तो बियर एरिया आ जाएगा, ट्रायंगुलर होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, लिमिटेड बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ द क्रोनरी लिगामेंट एंड बाय द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। तो इसे हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे, पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं। बियर एरिया हो गया ट्रायंगुलर, कैसा होता है, ये ट्रायंगुलर होता है और ये जो राइट लोब का पोस्टीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, लिमिटेड बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट एंड बाय द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सेकेंड देखेंगे द ग्रोव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर बिटवीन द क्वाड्रेंट लोब एंड द बेयर एरिया। तो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब आएगा, तो हमने पिछले डायग्राम में देखा था क्वाड्रेंट लोब कहाँ था, पोस्टीरियर सर्फेस पे ऊपर की ओर था। अगर आपने देखा होगा वीडियो मतलब इसी में ही, तो वहाँ पे हमने क्वाड्रेंट लोब पढ़ा था। तो पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर हो गया, जो इन्फीरियर वेना कावा का ग्रूव हो गया, उसके बाद बिटवीन द क्वाड्रेंट लोब एंड बियर एरिया और क्वाड्रेंट लोब के बीच में इन्फीरियर वेना कावा है, मतलब फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। तो अगर हम
देखेंगे पीछे पड़े होंगे तो जो हमारा फोसा था वो कहाँ था, राइट ऑफ द क्वाड्रेंट लोब के पास था और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब था और राइट लोब ऑफ द क्वाड्रेंट लोब। हालांकि अभी हम फिर से देखेंगे इसका डायग्राम। द एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेजर ओमेंटम एंड द फीजर फॉर द अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर देखते हैं डायग्राम। अब यहाँ हम अब डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेयर एरिया। तो बेयर एरिया क्या है, ये हमारा जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा बेयर एरिया है। तो ये हमारा बेयर एरिया हो गया। तो बेयर एरिया हमने कैसा पढ़ा था, ट्रायंगुलर। तो ये हमारा कैसा है, ट्रायंगुलर है। फिर ये किस क्या है, ये हमारा जो लीवर है, लीवर का आप देख सकते हैं ये जो है हमारा, ये पोस्टीरियर सरफेस है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब, ये हमारा राइट लोब है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब है और लिमिटेड किससे, लिमिटेड है। तो लिमिटेड बाय सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। नेक्स्ट हमारा क्या था, ग्रूव फॉर द इन्फीरियर वेना कावा। तो हमारा इन्फीरियर वेना कावा का ग्रूव देखेंगे। तो हमने पिछले डायग्राम में देखा था यहीं पर हमारा क्वाड्रेंट लोब था ना, और ये हमारा बेयर एरिया हो गया। तो इन्फीरियर वेना कावा कहाँ है, राइट लोब पोस्टीरियर सरफेस के है, उसके बाद हमारा ये बिटवीन द क्वाड्रेंट लोब एंड बेयर एरिया। नेक्स्ट देखेंगे हम गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर हमारा कहाँ है, इन्फीरियर साइड पे है। तो ये क्या था हमारा, जस्ट राइट साइड किसके है, क्वाड्रेंट लोब का। हमारा क्वाड्रेंट लोब यहाँ लाई कर रहा था, तो इसी के राइट साइड पे हमारा गॉल ब्लेडर आ गया। और नेक्स्ट था हमारा लेजर ओमेंटम। नेक्स्ट हमारा लेजर ओमेंटम। तो जो लेजर ओमेंटम है, हमने क्या पढ़ा था, ये जो फीजर है, फीजर ऑफ किसका होगा, ये लिगामेंटम वेनोसम। याद रखिएगा जो हमारा लिगामेंटम टेरिस वो नीचे की साइड आएगा, लिगामेंटम वेनोसम ऊपर की साइड होगा, तो उसका फीजर भी होगा। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पेरिटोनियल रिलेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विसरल रिलेशन। तो ये आप एक बार डायग्राम देख सकते हैं, एसएस लेना हो जिसको वो ले सकता है। तो ये हमारा हो गया पेरिटोनियल रिलेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे विसरल रिलेशन। तो विसरल रिलेशन में हमें जैसे कि पता है सबसे पहले कि लीवर जो है, लीवर के पांच सरफेस होते हैं। कौन कौन सा, पहला हमारा एंटीरियर हो गया, दूसरा पोस्टीरियर इसके पीछे का, पोस्टीरियर इसके पीछे का जो होगा वो पोस्टीरियर सरफेस आएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सुपीरियर सरफेस, फिर आ जाएगा हमारा इन्फीरियर सरफेस, और लास्ट फिफ्थ आ जाएगा राइट सरफेस। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे एंटीरियर सरफेस।